और यहाँ पे हमारा मस्त नूडल्स। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन कर लिया और काफ़ी सुकून मिला दर्शन करने के बाद। तो अभी हम आए हैं मोमोज खाने के लिए और अपना फेमस पॉइंट वेज मोमोज 50 रुपीज़। तो अब बारी है फेरी वॉक करने की। चलो फेरी उधर, नहीं नहीं उधर। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और एक नए ब्लॉग की स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और आज देख सकते हो मतलब मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो रखा है, बारिश होने की पूरी संभावना है, देखते हैं होता है कि नहीं। आके मैं अपने छत पे से टहल रहा था, सोचा यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जरूर नहीं है कि एक जगह से ही करना है। बाकी वहाँ देखो कौन बैठा है, वो यो देखो कौन बैठा है, क्या हुआ बिल्लो? देखो हमारा बिल्ला हमारे राउंड घूम रहा है बिल्ला। तो अब बारी है लंच कर लेने की। बाकी 1 बजे मेरे को अभी नोटिफिकेशन आया कि 1 बजे बारिश होगी। अब देखते हैं 1 बजे बारिश होती है क्या नहीं होती है। और अभी मौसम तो भैया बन तो रहा है बारिश का, देखते हैं होती है या नहीं होती है। और यहाँ पे हमारा मस्त नूडल्स माता श्री के हाथों से बना हुआ हमारे सामने है, तो खाते हैं इसे। तो मस्त हम नूडल्स खा लिया और मज़े आ गए, मतलब इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है नूडल्स के साथ दोपहर में लंच हो जाए तो बेस्ट, और इससे हो ही नहीं सकता। बाकी 1 बज चुके हैं, बारिश का नामो निशान नहीं है, तो क्या ही कहें। गूगल बाबा भी आजकल नशे में है, सूखे नशे कर रहे हैं लग रहा है। बाकी बिल्ले का पोजीशन देखो कहाँ पे बैठा है, सो रहा है एक्चुअली वहाँ पे। तो आज मैं ब्लॉग के टाइम में बिल्कुल चेंज है, आज जो ब्लॉग है वो 1:30 बजे दोपहर में आ रहा है। तो आज देखते हैं दोपहर में डालने का कुछ फ़ायदा है या नहीं है, एल्गोरिदम देखते हैं यूट्यूब का इस पर बैठता है या नहीं बैठता है। बाकी लेट्स सी, अभी तो आएगा भी थोड़ा बहुत टाइम है, तो अब मैंने लगा दिया है अपलोड पे, बाकी टाइम से शेड्यूल कर चुका हूँ, आ जाएगा। मैं निकल रहा हूँ गमला लेने के लिए, क्योंकि पौधे लाया गया है पिताजी द्वारा, तो उसे गमलों में लगाना है। तो नए गमले चाहिए, 2 गमले तो लेके आते हैं, और एक तो एक्स्ट्रा में रखेंगे और एक गमले में तुलसी का नया पौधा है वो लगाएंगे। तो देखते हैं बारिश भी हो रही है तो फटाफट चलते हैं लेके आते हैं। तो अभी वक्त है एक जगह निकलने का, मतलब एक जगह दर्शन करने के लिए निकलने का। किसका दर्शन करने जा रहे हैं वो कुछ देर में आपको पता चल जाएगा, और आज उनका दिन है तो दर्शन करना तो बनता है। चलो चलते हैं। तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो गड्डी बाहर निकाल दी, अब गेट बंद, तो ऑल डन, चलो चलते हैं। तो अभी हम निकल रहे थे और ये महाराज में आ गए मिलने के लिए फिर से। चलो बाय। तो देखो मैं कौन मिला, मैं टिनटिन मिला है। टिनटिन कैसा है? और ये हमारी मिस्टी मिस्टी, तो ये सारे घूमते रहते हैं। तो टिनटिन कहाँ जा रहा है? चलो बाय, तुम्हें भी बाय, जा घूम ले। फाइनली हम अपने फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे अब देखते हैं श्री भाई कहाँ पे हैं, इनको भी उठाना ही है इन्हीं को। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए हनुमान जी के। तो चलो दर्शन करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, और हनुमान जी से कुछ गुफ्तगु कर लें, फिर मिलते हैं आपसे। दर्शन कर लिया और काफ़ी सुकून मिला दर्शन करने के बाद, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ यार, मतलब ऐसे जगह पर सुकून मिल ही जाता है, दुनिया में कहीं मिले ना मिले यहाँ पे मिल ही जाएगा, सबको जाना चाहिए। तो अभी हम आए हैं मोमोज खाने के लिए, और मतलब मोमोज तो मतलब सबका फेवरेट होता है, दिल्ली के मोमोज की क्या ही बताएं, क्या ही स्वाद है उन मोमोज का। बट यहाँ के मोमोज कम नहीं है, तो बराबर है, दोनों के इक्वल पॉइंट है। तो यहाँ पे अपना फेमस पॉइंट वेज मोमोज 50 रुपीज़, और यहाँ पे हम आए हैं मोमोज भी खा लिया, और अब चलते हैं घर। पहले इन्हें ड्रॉप करते हैं फिर अपने घर निकलते हैं। तो अब बारी है फेरी वॉक करने की। चलो फेरी इधर, नहीं नहीं उधर उधर इधर इधर इधर, चल इधर इधर। तो ये इतना घुमा रही है, चल फिर दौड़ गमो। तो आज का दिन भी बहुत सही निकला, और अब अपने घर को भी निकल लेते हैं।
बाकी ये गली तो सबसे कॉमन हो चुका है मेरे ब्लॉग में, क्योंकि भैया यहाँ आना जाना लगा रहता है इसलिए। और क्यों पूछा, इस गली में इतने सारे डॉग्स हैं कि अगर रात को इस गली में आ गया तो सारे 50-50 करके ले जाएंगे अपने घर। घूमते फिरते फाइनली अपने घर की गली में तो आ गए, और यहाँ पे भी हमारे गली में भी कुत्तों की कमी तो है नहीं, मतलब मेरा तो क्या है तो कुत्तों की कमी नहीं है। हर जगह ऐसे ऐसे कुत्ते मिलेंगे कि लैब्राडोर फेल है, पिटबुल फेल है, ये देखो सामने से आ रहा है, ये देखो ये रात को हमें भी नहीं पहचानता है ये भी। तो अभी मैं घर आया और यहाँ पे वापस से हमें चॉकलेट के दर्शन हो गए, और ये हर समय मिलता रहता है चॉकलेट। चोको भाई चोको। तो ये अंदर घुसने की बार बार जिद कर रहा है, नहीं नहीं नो नो बिल्ली सॉरी नो चोको नहीं गंदी बात। यही फायदा है मेरा डॉग लवर होने का, मतलब कि सारे डॉग्स मेरे से कनेक्टेड रहते हैं हर जगह हर वक्त, जहाँ जाता हूँ वहाँ डॉग्स ही डॉग्स मिल जाते हैं मेरे को। तो इससे लगता है कि हाँ यार डॉग लवर मैं, मतलब मेरा बहुत एक बेस्ट मोमेंट लगता है मेरे को। तो फाइनली सब कुछ करके घर आ गया था, और फिर उसके बाद मस्त अपना बैठ के नए कंटेंट की खोज भी इनमें लगा हुआ था, और साथ में कुछ फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स थे उसके लिए देख रहा था कि क्या नया कर सकते हैं। तो कुछ हेल्प लिए हमने यूट्यूब से, कुछ वेब से ली, तो देखने में बहुत कुछ पता चला कि ये किया जा सकता है, कुछ AI के हेल्प से हो सकता है, कुछ खुद के टैलेंट को ऐड ऑन करके उससे हो सकता है। तो वो सारी चीज़ देख ली है, उस पर काम करेंगे कुछ टाइम में स्टार्ट। तो अभी तो मेन काम है, 1 बजने वाले हैं कुछ टाइम पे, तो अब सो जाते हैं और इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, मतलब कंज्यूज ही ना किया करो, कर दिया करो, ठीक है। बाकी इस ब्लॉग को देखने के लिए दिल से शुक्रिया, और फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, साथ में टेक केयर और लव यू, साथ में कर देना यार सब्सक्राइब यार, मतलब कर देना, ठीक है।